गाइस आपका स्वागत है डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स के पहले एपिसोड में। ये कॉमिक सीरीज चार पार्ट में डिवाइडेड है और हमें 79% व्यूअर्स ने इन सीरीज को पार्ट्स में दिखाने को बोला है। तो गाइस इसीलिए हमने इन सीरीज को एपिसोड वाइज डिवाइड कर दिया है ताकि आप इन एपिसोड्स को हर फ्राइडे और सैटरडे हमारे चैनल पर देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी मेन मार्वल यूनिवर्स यानी अर्थ 616 पर नहीं हुई है, बल्कि ये कहानी दूसरे यूनिवर्स अर्थ 12101 पर हुई है। ये कहानी शुरू होती है वॉचर के साथ, जो हमें बता रहा है कि वो अनगिनत रियलिटीज और अनगिनत अर्थ्स को ऑब्जर्व करता रहता है और कई स्टोरीज को देखता है। वो बताता है कि उसने भगवान को बनते हुए देखा है और सेलेस्टियल बॉडीज को तबाह होते हुए देखा है। उसने दुनिया की शुरुआत और दुनिया का अंत दोनों होते हुए देखा है। हर चीज का एक अंत आता है। कुछ अंत शांति से होते हैं जिनकी फिर एक नई शुरुआत होती है, और कुछ अंत दुख और दहशत के साथ होते हैं। तो ये कहानी है अंत के शुरुआत की। फैंटास्टिक फोर ने दुनिया में हीरोज को पहचान दी और यही सबसे पहले खत्म होंगे। तो हम देखते हैं मिस्टर फैंटास्टिक यानी रीड रिचर्ड्स को सूजन यानी इनविजिबल वुमन की गोद में मरते हुए। वो रीड को बोलती है कि सब खत्म हो चुका है, यहाँ तक कि बेन ग्रिम यानी द थिंग भी धूल बन चुका है। रीड मरते मरते सूजन को बता रहा है कि अब बहुत देर हो चुकी है। वो सूजन को बोल रहा है कि वो कहीं छुप जाए और बाकियों को भी वार्निंग दे दे। रीड ये भी बोलता है कि कुछ चोरी हो गया है। सूजन उससे बार बार पूछती है कि उसकी ये हालत किसने की, और ये भी कि उनके बच्चे कहाँ हैं। रीड बताता है कि उसने बच्चों को बचाने के लिए पोर्टल का यूज करके नेगेटिव जोन में भेज दिया है और पोर्टल तोड़ दिया है। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि नेगेटिव जोन एक ऐसी जगह है जिसका कोई और अंत नहीं है। वो एक एंटी मैटर यूनिवर्स है जो कि रियल वर्ल्ड से परे है। और आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि रीड रिचर्ड्स का बेटा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स सबसे पावरफुल सुपर हीरो है मार्वल यूनिवर्स अर्थ 616 का, पर शायद इस यूनिवर्स में ऐसा नहीं है। इतना बता के रीड रिचर्ड्स मर जाता है। तभी एक धमाके की आवाज आती है। सूजन इनविजिबल होकर देखने जाती है कि ये आवाज कहां से आई। वो देखती है कि फैंटास्टिक फोर का जेट जॉनी स्टॉर्म यानी ह्यूमन टॉर्च के ऊपर गिरा हुआ है, और तभी निकलता है पीछे से डेडपूल। वो जॉनी से बोलता है कि उसको इतनी उम्मीद नहीं थी कि जॉनी इतना अच्छा लड़ पाएगा, और वो बोलता है कि इतने बढ़िया जेट को तबाह करने में उसे अच्छा नहीं लग रहा, पर ऑमलेट को तोड़ने के लिए कुछ अंडे तो फोड़ने ही पड़ते हैं। और ऐसा कह के वो जॉनी स्टॉर्म का गला काट देता है, जिसके खून के छींटे सूजन की इनविजिबल बॉडी पर गिर जाते हैं। तब डेडपूल को पता चलता है कि सूजन वही खड़ी है इनविजिबल होकर। डेडपूल अपना सर पकड़ के बोलता है कि अच्छा हुआ उसे सूजन दिख गई, और अब वो देखना चाहता है कि सूजन भी बाकियों की तरह अच्छा लड़ेगी कि नहीं। कि तभी इनविजिबल वुमन डेडपूल के सर के अंदर फोर्स फील्ड बनाकर उसका सर फाड़ देती है, और तब सूजन बोलती है कि उसे नहीं पता कि डेडपूल ने उसकी फैमिली पर हमला क्यों किया। सूजन को लग रहा था कि शायद फैंटास्टिक फोर के किसी दुश्मन ने डेडपूल को ऐसा करने के लिए कहा हो। सूजन फिर बोलती है कि इन बातों का अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि डेडपूल अब किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। पर तभी डेडपूल अपनी तलवार सूजन के पीठ के आर पार कर देता है, ये बोलते हुए कि इतने सालों की हीरोगिरी में तुम लोगों ने इतना भी नहीं सीखा कि कैंची लेके नहीं भागना चाहिए, बहती हुई हवा में थूकना ही चाहिए, और अपने मरते हुए दुश्मन की तरफ पीठ कभी नहीं करनी चाहिए, खासकर उस दुश्मन की तरफ जिसके पास हीलिंग फैक्टर हो। तब हमें वॉचर फिर से दिखता है और वो हमें बताता है कि इस तरह मार्वल की पहली सुपर हीरो फैमिली खत्म हो गई। पर ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं हुई। अगर हमें ये जानना है कि ये खतरनाक इवेंट्स कैसे हुए, तो हमें समय में पीछे जाना होगा और अपना ध्यान रेवेन्सक्रॉफ्ट असाइलम की तरफ लाना होगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेवेन्सक्रॉफ्ट असाइलम वही जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रो को रखा गया था द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में। ये सब तब शुरू हुआ जब डॉक्टर बेंजामिन ब्राइटन ने एक तरीका बताया खराब दिमाग वालों को ठीक और शांत करने का। डॉक्टर ब्राइटन ने कई बुरे लोगों को बंद भी कर रखा था उस असाइलम में, पर उनका प्लान कुछ अलग था। एक नर्स आती है डॉक्टर ब्राइटन के पास और उनको बताती है कि उन्होंने जिनको बुलाया था वो आ गए हैं। तब हम देखते हैं एक्समैन की पूरी टीम को, जो डेडपूल को बांध के एक स्ट्रेचर पर लेकर आ रहे होते हैं। तब डेडपूल मजाक करते हुए बोलता है कि चलो ठीक है, तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बना लिया, अब खोलो मुझे ताकि मैं तुम में से किसी एक को बांध सकूं, और सबसे पहले स्टॉर्म को। तब वुल्वरीन डेडपूल की चिंता करते हुए प्रोफेसर एक्स से बोलता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, वेड बेशक हमसे ना संभलता हो पर उसे रेवेन्सक्रॉफ्ट में डालना सही नहीं है, चाहे यहाँ के डॉक्टर कितने भी हाई प्रोफाइल हो। इस पर प्रोफेसर एक्स बोलते हैं कि अब इस बारे में और कोई डिस्कशन नहीं होगी, वेड को मदद की जरूरत है जो कि हम नहीं दे सकते, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि यहाँ वेड का ध्यान रखा जाएगा। डॉक्टर ब्राइटन प्रोफेसर एक्स से कहते हैं कि उनके तरीके आम नहीं है, पर वो वेड विल्सन जैसे कई लोगों को ठीक कर चुके हैं। प्रोफेसर एक्स बोलते हैं कि वो इस बात की श्योरिटी देते हैं कि डेडपूल एक स्पेशल केस है। तब डेडपूल फिर से चिल्लाता है कि उसका इंस्टीट्यूशंस के साथ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, उसके कई बार डिवोर्स हुए हैं, उसके कई चेक बाउंस हुए हैं, और उसने स्मिथसोनियन जो कि दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है उसको जला दिया है। ये सुनकर डॉक्टर ब्राइटन प्रोफेसर एक्स से बोलते हैं कि वो समझ गए हैं वेड का केस और वो पर्सनली वेड का इलाज करेंगे। आगे दो लोग डेडपूल को एक टाइट जैकेट में बांधकर डॉक्टर ब्राइटन के ऑफिस में लेके आते हैं।
डेडपूल उन्हें कहता है कि अगर डिनर के बाद ऐसे कपड़े पहनाए जाते हैं तो उन लोगों का फैशन सेंस बहुत खराब है। नॉर्मली डेडपूल के दिमाग में 2 से 3 आवाजें गूंजती रहती हैं, जिसमें से एक आवाज कहती है कि अगर डिनर की बात हो ही रही है तो उस चीज को मीटलोफ कैसे कह सकते हैं जिसे हमने स्ट्रॉ से पिया हो। डॉक्टर ब्राइटन अपने स्टाफ को भेज देते हैं और डेडपूल को बैठने को कहते हैं, ये बोलते हुए कि वो एक दूसरे को जानेंगे मिलके। तब डेडपूल के दिमाग में फिर एक आवाज आती है कि शायद डॉक्टर डेडपूल का बेस्ट फ्रेंड बनना चाहता है। डेडपूल चेयर पर बैठते हुए बोलता है कि ऐसा बहुत दिन बाद हुआ है कि वो किसी से बात कर रहा है बिना खून खराबे के, तो वो पूछता है कि वो कहां से शुरू करे। तब उसके दिमाग से आवाज आती है कि मैं गरीब पैदा हुआ था, ये वाली कहानी दोबारा मत सुनाना। तब दूसरी आवाज आती है और वो कहती है इस बार कुछ नया सुनाया जाए। तो डेडपूल बोलता है कि वो कोयले की खुदाई करने वाले की बेटी था और उसकी माँ ने उसे कभी दूध नहीं पिलाया बल्कि आसपास की औरतों ने भी उसका ध्यान नहीं रखा। डेडपूल बीच में रुक के पूछता है कि डॉक्टर कुछ लिख क्यों नहीं रहा। डॉक्टर डेडपूल से पूछता है कि क्या वो एक ट्रेंड असैसिन है जो कि हर तरह की लड़ाई में स्किल्ड हो, जिसकी रीजनरेटिव कैपेसिटी ने उसे लगभग कभी ना मरने वाला बना दिया हो। तब फिर डेडपूल के दिमाग से 2 आवाजें आती हैं। पहली आवाज कहती है कि कभी ना मरने वाली बात उसे नहीं पता थी और दूसरी आवाज कहती है कि हालांकि कई सगे दोस्तों ने उसे मारने की कोशिश करी है। तब वो डॉक्टर से कहता है कि सुनो मेरी बात। तब डॉक्टर पलट के बोलता है कि नहीं, तुम सुनो मेरी बात। तुम्हारे ध्यान ना देने और फालतू की बकबक करने की वजह से तुम एक खराब फाइटर हो, तो इसलिए जो डॉक्टर ब्राइटन नहीं ठीक कर सकता वो साइकोमैन ठीक करेगा। डेडपूल बोलता है कि ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत एफिशिएंट है। और उसके अंदर की आवाजें कहती हैं कि वो ध्यान भी नहीं देता और बिस्तर पर भी मतलबी है। तब वो डॉक्टर बताता है कि वो डेडपूल को ठीक नहीं करना चाहता बल्कि उसके दिमाग को खाली करके अपनी विलन आर्मी में शामिल करना चाहता है, और वो एक डिवाइस से डेडपूल के दिमाग को ट्रिगर करता है। बेसिकली डॉक्टर ब्राइटन के दिमाग में साइकोमैन होता है जो कि डेडपूल और कई दूसरे विलन्स का ब्रेन वॉश करके अपनी खुद की एक आर्मी बना के पूरे यूनिवर्स पर राज करना चाहता है। डेडपूल को बहुत दर्द होता है, उसके दिमाग में जो आवाजें आती हैं वो भी चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि सब बंद हो जाए। डॉक्टर डेडपूल से बोलता है कि उनका प्लान पूरा होने ही वाला है और वो जो चाहता है डेडपूल वही करेगा। डेडपूल ऐसे चिल्लाता है जैसे कि वो किसी को अपने दिमाग से निकलने को कह रहा हो। डॉक्टर डेडपूल को कहता है कि उसका काम हो गया, पर डेडपूल के दिमाग की सारी आवाजें गायब हो गईं और उसे एक अलग आवाज आई जो कि कह रही थी हेलो वेट। तब डेडपूल डॉक्टर से पूछता है कि शायद उसे दोबारा चेक करना चाहिए क्योंकि अभी तो सब शुरू हुआ है। डेडपूल का जैकेट खुल गया और उसने डॉक्टर ब्राइटन का गला पकड़ लिया। तब डॉक्टर ब्राइटन का सर खुला और उसमें से निकला साइकोमैन। साइकोमैन निकलते ही डेडपूल को अपने ऑर्डर्स मानने को कहता है। डेडपूल साइकोमैन को पकड़ता है और उसे बोलता है कि सॉरी, पर उसे उसके रिलीज फॉर्म पर स्टैंप चाहिए। और तब डेडपूल साइकोमैन की बॉडी टेबल पर कई बार मारता है और साइकोमैन मर जाता है। और तब डेडपूल के दिमाग में जो नई आवाज है वो डेडपूल को शाबाशी देता है। डेडपूल के पूछने पर वो आवाज डेडपूल से बोलता है कि वो जानता है कि वो कौन है, और वो उसे बोलता है कि वो काम खत्म कर दो जो शुरू किया है। डेडपूल पूरे रेवेनक्रॉफ्ट में पेट्रोल फैलाने लगता है। वहां के सारे कैदी डेडपूल को बोलते हैं कि उन्हें आजाद कर दे, पर डेडपूल कहता है कि वो उनका भला ही कर रहा है क्योंकि आगे जो होने वाला है वो इससे भी खतरनाक है। और तब डेडपूल पूरे रेवेनक्रॉफ्ट को जला देता है। डेडपूल अपने अंदर की आवाज से पूछता है कि बाकी आवाजें कहां गई। तब वो आवाज डेडपूल से कहती है कि अब उसे उन आवाजों की जरूरत नहीं। हमें वॉचर फिर से दिखता है जो कि हमें बताता है कि किसी दूसरे यूनिवर्स में शायद साइकोमैन जो चाहता था वो हो जाता, ये सारे हीरोज मिलके उसे रोक लेते, पर इस यूनिवर्स में इन सारे हालातों ने मिलकर एक किलर को जगा दिया है। पर इससे पहले वॉचर आगे कुछ कहता, उसको जोर से झटका लगता है। हुआ ये था कि डेडपूल ने मिस्टर फैंटास्टिक से जो चीज चुराई थी वो एक स्पेशल गन थी जो कि वॉचर जैसे लोगों को मारने के लिए बनाई गई थी। वॉचर डेडपूल से पूछता है कि उसका तो कोई लेना देना नहीं था, तो उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया और वो उसे कैसे देख सकता है। डेडपूल बताता है कि उसमें कुछ खराबी है, वो चीजों को ऐसे देखता है जैसे बाकी लोग नहीं देखते। तब वो अपने दिमाग के कहने पर पूछता है कि वॉचर किससे बात कर रहा है, और ऐसा कहकर वो वॉचर का गला काट देता है और कहता है कि वो जिससे भी बात कर रहा था वो अब अपनी आंखें खुली रखे क्योंकि अब वो दुनिया को तबाह होते हुए देखेंगे। I can see a real-